अमरावती जिले के सांदूर बाजार के ब्राह्मणा थड़ी रोड पर सुबह 9 बजे अचानक लगी आग में 3 संतरा मंडी और उसमें लगे संतरा वैक्सिंग मशीन व कैरेट जलकर खाक हो गए, जिसमें अंदाजन 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक ये संतरा मंडी चांदूर बाजार के हाजी अब्दुल सलीम और अमरावती निवासी अतीक अहमद की बताई गई है। आग दिखाई देने पर वहां पहुंचे पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने बार बार नगर पालिका में फोन पर संपर्क किया, लेकिन वहां से एक भी जवाब आया नहीं। 1 घंटा बीत जाने के बाद अब जब अग्निशामक की गाड़ी आग बुझाने घटनास्थल पहुंची तो उसमें केवल कुछ बकेट ही पानी था, जिसे देखकर वहां खड़े लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों की भीड़ उग्र होने लगी। किसी तरह उन्हें समझाया गया, तब तक आग और ज्यादा फैलने लगी। तभी चांदरू बाजार पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस मदद के लिए पहुंच गई। आग को देखते ही PSI शरद भस्मे ने 4 लाइन रोड का काम कर रहे ठेकेदार से संपर्क करके पानी के टैंकर मंगवा कर अग्निशामक की गाड़ी जो खाली हुई थी उसमें भरकर आग को बुझाया गया। तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। उसके बाद अचलपुर की अग्निशामक भी पहुंच गई थी। अगर ये आग पर जल्द काबू नहीं किया गया तो संतरा मंडी से लगी प्रेडेंस कॉलोनी भी इसकी चपेट में आ जाती। वहां खड़े लोगों ने जान की परवाह न करते हुए आग को बुझाने में मदद की। आप तक न्यूज अमरावती प्रतिनिधि साजिश सौदागर की रिपोर्ट।